थोड़े दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल का टाइटल था इंडिया इज द सैडेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सीधा सैडेस्ट, वन ऑफ द नहीं. सबसे हार्डकोर एडजेक्टिव यूज किया है. तो ये क्या चीज़ें देखना पड़ेगा. मैंने क्लिक किया तो एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होता है जो यूनाइटेड नेशन हर साल रिलीज करती है, तो उसमें इंडिया का रैंक 126 है. मैंने इस रैंक को जेई की तरह कैलकुलेट किया. ये तो बहुत अच्छा रैंक है. फिर मैंने उसको स्क्रॉल किया, तब पता चला इस लिस्ट में टोटल कंट्रीज 137 है. हम 137 में से 126 आए हैं. मैं फिर देखा नीचे देखता है, तो मैंने नीचे जो देखी ना, जो हमसे नीचे लिस्ट थी, वो कंट्रीज के मुझे नाम भी नहीं पता थे कि वो एग्जिस्ट करती है. शायद इसीलिए वो हमसे भी ज़्यादा सैड है. वो बेचारे कि यार हमें तो कोई जानता भी नहीं है. बोलते और सैड होके देखते हैं, जब सबसे लास्ट पहुँचेंगे तभी पहचानेंगे. इस लिस्ट में सबसे लास्ट अफगानिस्तान है और उनका बनता है. वो बेचारा पूरा देश हर साल सैड रहता है कि भैं चो राशिद खान अभी भी 16 साल का है. लोगों की एज बढ़ती है, इसकी डेट ऑफ बर्थ बढ़ती जा रही है. हमें ये सब देश नहीं देखना. मैं बोला आगे देखते हैं, आगे कौन कौन है, हमें उनसे कम्पीट करना ना. मैंने आगे देखा, हमारे इस लिस्ट में हमसे आगे जो जो देश है ना, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो मुझे लगा हमसे ज़्यादा सैड होंगे. इस लिस्ट में श्रीलंका हमसे आगे. श्रीलंका जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, हम पूरा दिन बैठ के उन पे मीम बना रहे थे. हम मीम बनाने के बाद भी उनसे ज़्यादा सैड थे. उल्टा हमने मीम बनाया, वो खुश हो गए. ये बनाओ, तुम तो दर्द कम कर रहे हो, काम करो हमारे लिए. और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है, लोग बोल सकते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे के बिना लोग खुश रह सकते हैं. ठीक है, यूक्रेन भी आ गए इस लिस्ट में. यूक्रेन पे न्यूक्लियर अटैक होने वाला है. वो देश हर सेकंड इस डर में रहता है, क्या पता अगले सेकंड हम मैप पे हो या ना हो. और वो इस थॉट के साथ भी हमसे ज्यादा खुश है. अब एक ये देश है, इससे हम हर चीज में कम्पीट करना चाहते हैं, हर चीज में आगे निकलना चाहते हैं, पाकिस्तान. वो भी इस लिस्ट में हमसे आगे. और पाकिस्तान का मुझे पता है, मैंने घर बैठ के कैलकुलेट किया वो आगे क्यों है. पाकिस्तान एक्चुअली हर साल खुश रहता है, बस ये लिस्ट देख के कि इंडिया आज भी सैड है. बस ये लिस्ट देखते हैं खुश हो जाते हैं. हर साल वो लिस्ट में हमारी रैंकिंग देखते हैं, उनका बीपी लो हो जाते हैं. पर ये सरप्राइजिंग कंट्री नहीं है, सबसे सरप्राइजिंग कंट्री ये है इस लिस्ट में, बांग्लादेश भी हमसे आगे. याद है जब NRCCA चल रहा था, जब वो सबके आईडी कार्ड्स देख रहे थे कि तुम्हारे पास आईडी नहीं है तो बांग्लादेश भेज देंगे. जिनको भेज दिया वो हमसे ज़्यादा खुश हैं. उल्टा जो बोलते रहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे फेक आईडी बना के देश में घुस रहे हैं, मुझे लगता है उनके पास ओरिजिनल. उन्होंने बैकअप में फेक बनाया कि देखो मैं वहाँ से भाग के आया हूँ. वहाँ भेज दो प्लीज़, लोग खुश लग रहे हैं वहाँ पे. देखो सबसे बड़ा इशू ये है ना कि हम एक्सेप्ट नहीं करते इस लिस्ट को. यूनाइटेड नेशन हर साल रिलीज करती है लिस्ट, और हमारे टॉप ऑफिशियल्स जो है ना, वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं कि इस लिस्ट को मैं मानता ही नहीं. हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर मैं सेफ रहूँगा. क्योंकि आगे कुछ भी कांड हुआ, बोला मैं तो 10 साल पुराने वाले की बात कर रहा हूँ. नाम लिया मैंने आपका, 10 साल पुराने वाले कुछ इशू करेंगे, बोला मैं तो नेहरू जी के टाइम की बात कर रहा हूँ. एकदम बुलेट प्रूफ प्लान लेके चलता हूँ मैं. तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनसे पूछा इस लिस्ट के बारे में कि ये क्या इतना पीछे क्यों है. तो उनका पहला रिप्लाई था कि मैं तो जानता ही नहीं यूनाइटेड नेशन ये सब कैसे कैलकुलेट करता है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मुझे एक गूगल सर्च में पता चल गया था. उनसे पूछा कि हम इतना पीछे क्यों हैं लिस्ट में, हम एज अ कंट्री सबके सब इतने सैड क्यों हैं. तो लिटरली ये ऑफिशियल रिप्लाई है उनका. ठीक है, कुछ भी मेडअप नहीं है, तुम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो. उन्होंने यही रिप्लाई दिया है. बोलते मैं मानता ही नहीं इस लिस्ट को, क्योंकि मेरा एक सिंगापुर का दोस्त है, वो तो मुझे बता रहा था इंडिया के लोग बहुत खुश दिखते हैं. ये एक ऑफिशियल आंसर है एक ऑफिशियल क्वेश्चन का.
और ये बहुत बेस्ट टेक्निक है, ये तो कभी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो तुम। कल यूनाइटेड नेशन लिस्ट लेके आएगा कि इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, हम बोलेंगे ऐसे कैसे, मेरे दोस्त के बाप का तो बहुत मोटा बिजनेस है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली। अब जब तुम कोई चीज़ बोलते हो तो तुम खुद भी सुन सकते हो। थोड़ा सा डिले होता है क्योंकि बोलने से पहले नहीं सुन सकते। तो उन्होंने बोला, फिर उनके कान में आवाज़ गई, फिर उन्हें रियलाइज हुई तो बहुत ज़्यादा ही डम बात बोल दी। तो उन्होंने इस बात को छुपाने के लिए दिमाग लगाया कि मैं इससे भी ज़्यादा डम बात बोल देता हूँ ताकि लोग ये भूल जाएं। तो उनका सेकंड रिप्लाई था, उन्होंने बोला अगर यूनाइटेड नेशन को लगता है इतना कि हम इतने सैड हैं तो उन्हें बैंगलोर आना चाहिए फ्राइडे नाइट को और एक क्लब में देखना चाहिए हम कितने खुश हैं। अब मुझे तुम सब बैंगलोर वालों के लिए बुरा लग रहा है कि तुम बेचारे मंडे टू फ्राइडे एकदम घिस के जॉब करते हो, ठीक है, बॉस की गालियाँ सुनते हो, फिर फाइनली फ्राइडे नाइट को सोचते हो अब क्लब में जाके थोड़ा सा चिल करूँगा। अब तुम क्लब में घुसोगे, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की टीम खड़ी है। 5 रिमार्क्स उदासलैंड। सब रिजेक्ट कर देते हैं और ये रिजेक्शन फिर भी उतने थे नहीं। मेरा फेवरेट जो रिजेक्शन है ना वो मेरे फेवरेट ऑथर की तरफ से आया है, विवेक अग्निहोत्री नाम है। उन्होंने बोला कि मैं मानता ही नहीं इस लिस्ट को क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशन वाले हैं ना ये वेस्टर्न क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसीलिए ये फॉरेन कंट्रीज आगे निकलती है। अगर वो इंडियन कल्चर के हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे ना ये सब पीछे आ जाएंगे। तो उन्होंने एग्जांपल दिया, बोला आप इन सब गोरों से जाके पूछो कि क्या आप लाइफ टाइम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रह सकते हो। बहुत सही था, एकदम अच्छे से बीट किया है। बस अब इस सिनेरियो में किसी एक जन को खुश रहने के लिए उसके पेरेंट्स को सैड रहना पड़ेगा कि कब तक पाले इसे, 80 साल का हो गया अभी भी दाल हम ही खिलाएं। अब प्रॉब्लम बस वही है कि हम सब नहीं मानते इस लिस्ट को। हर साल यूनाइटेड नेशन ही रिलीज करती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वाली लिस्ट और हर साल हम इस लिस्ट से खुश नहीं होते। हम खुद उनका पॉइंट प्रूफ कर देते हैं क्या आप लाइफ में तो छोड़ो हम आपकी लिस्ट से खुश नहीं और सोल्यूशन ढूंढ लिया मैंने इसका, क्योंकि आगे तो पढ़ना है कैसे भी, तो सोल्यूशन ढूंढ लिया कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम इस लिस्ट में। हमें बस कुछ भी हो जाए, कितना भी बिजार सिनेरियो, हमेशा खुश रहना है, हमेशा स्माइल करते रहना है और ये डेडपैन एक के साथ बोलना टफ है लेकिन बस कुछ भी हो जाए हमेशा स्माइल करना है हमें, कितना भी बिजार सिचुएशन हो। तुम्हारा समझ लो किसी से झगड़ा होने वाला है, सामने वाला एकदम हीटेड है कि रुक बंदे बुला रहा हूँ, बुलाओ। सब आ गया, कुछ भी मिसिंग नहीं है इसमें, एकदम परफेक्ट परफॉर्म किया तुम लोग ने। अब तुम सबका टकला आएगा पीछे से, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुम लोग, अच्छा तुम लोग सबको ब्लो जॉब दूंगा मैं शो पर। क्योंकि ये सेट मैंने लास्ट मंथ लिखा था, मुझे रिलीज़ करना था, पर हर बार ऑडियंस कोई ना कोई जोक पे ऐसा ढूंढ लेती थी जहाँ पे नहीं हंसना था या उनको समझ में नहीं आता था क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड तो है पर अच्छा, क्योंकि वो नुआंस वाला जो जोक था ना जिसमें मैंने बोला कि लिस्ट से ही खुश नहीं है हम, वो कभी नहीं चलता था, लोगों को समझता ही नहीं था। मुझे पता था बैंगलोर में ही चले गए ये तो, मुझे पता है कांग्रेस आ गई तो अब तो अच्छा ही जाएगा शो। अब डर नहीं लगता मुझे, पहले भी डरने की बात नहीं थी क्योंकि मैं तो छुपके ही करता हूँ परफॉर्म। मैं वेन्यूज भी ऐसे ही ढूंढता हूँ कि ऑडियंस को भी ना पता चले कहाँ हो रहा है शो। कैफे रिसेट लिखा है पर पूरे कैफे में कहाँ हो रहा है ढूंढ के बताओ। हाय, थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपने पूरा देखा है तो मुझे कोई आइडिया नहीं मैंने कौन सा वीडियो रिलीज़ किया है, और प्लीज़ छोड़ के मत जाना ये पूरा देखना क्योंकि ये बस जो अपडेट्स हैं और इसके बाद और भी जोक्स हैं। हाय बैंचोद, क्यों करते हैं लोग ऐसे, मतलब जिस दिन मैं कंफर्टेबल हो गया ना सारे व्लॉगर्स की गांड मार दूंगा, पर आज तो नहीं है वो दिन। बैंचोद उस तरफ से भी लोग आ रहे हैं, इस तरफ से भी लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है। जब तक ये वीडियो रिलीज़ होगा ना मेरे पास 50 मिनट का मटेरियल सिर्फ यहाँ से होगा,
जिसमें 49 मिनट यूजलेस होंगे। हेलो, थैंक यू सो मच, आपने बैंक कैसे एनर्जी डालते हैं लोग। इतनी बार गाली दे रहा हूँ यार, क्यों देता हूँ मैं यार? गाली तो देता भी नहीं हूँ मैं रियल लाइफ में, बस जैसे ही कैमरा ऑन होता है क्यों गाली निकलती है इतने? अबे बाल की माँ चलिए। थैंक यू सो मच, जो भी आपने अभी तक देखा पूरी गांड लगी पड़ी है, कुछ नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पीछे लोग इन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, और इन्जॉय मतलब अभी तक तो नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ आया, मैंने बोला स्विमिंग अलाउड है, तो उसने बोला आपको स्विमिंग आती है? बोला आती तो नहीं है, तो बोला फिर अलाउड नहीं है। मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ कांड करता हूँ नया करने के चक्कर में, और वो हमेशा बहुत ख़राब होता है। एक्सपेरिमेंटल चीज़ें कभी नहीं चलती। अगर तुम कोई एक्सपायरिंग कॉमिक देख रहे हो और तुम चाहते हो कुछ यूनिक करना, तो प्लीज़ मत करो, बस रिलेटेबल कॉमेडी करो, बेस्ट होती है वो, पैसे भी मिलते हैं, ईजी भी होती है, नई चीज़ ट्राई करने में गांड लग जाती है। ये वीडियो मैं शो प्रमोशन के बना रहा हूँ, तो अभी मेरे हिसाब से मेरे मेन जोक से अच्छे तो मेरे इम्प्रोवाइजेशन से होते हैं, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। और तो बहुत सारे और हैं, इतनी बार और बोलता हूँ और ओके बोलता हूँ ना, हर बार और ओके बोलने के लिए कौड़े पड़ने चाहिए मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले, जो मैं खुद से नहीं, पीयूष मिश्रा ही आके मारे मुझे। हेलो, थैंक यू सो मच, एक दिन ऑकवर्डनेस ख़त्म होगी मरने के बाद। हेलो, थैंक यू सो मच, आपने अभी जो भी वीडियो देखा, मुझे कोई आइडिया नहीं मैंने कौन सा वीडियो रिलीज़ किया है, मैं इस टाइम पे मेघालय के किसी जंगल में हूँ, चेरापूंजी में, ये सब जो है ना इसमें बहुत खर्चा हुआ है यहाँ तक। क्या खर्चा हुआ है, खर्चे गिने भी तो नहीं। थैंक यू सो मच, आपने जो भी वीडियो देखा थैंक यू, अगर पूरा देखा है तो, आधा देखा है तो फिर गांड मराओ। अरे भैंस हो, यहीं देख लो, सबके सब यही करते हुए देख लो मुझे, और क्या ही है। ठीक है, तो ऑकवर्ड इंसान को और ऑकवर्ड कर दो। एक दिन ये सब नेचर खरीद लूँगा और फिर किसी को आने नहीं दूँगा। एक फाइनल टेक लेंगे जिसमें सब कुछ परफेक्ट कर दूंगा, और उसके बाद दोबारा कभी नहीं बनाऊंगा ऐसे वीडियोस। थैंक यू सो मच, आपने जो भी वीडियो देखा है, मुझे कोई आइडिया नहीं आपने कौन सा वीडियो देखा है, पर पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद शुक्रिया कौन बोलता है इस टाइम पे, बैंक पी टी वी है। एक बस 30 सेकेंड का अनाउंसमेंट है, वो नहीं किया जा रहा मुझसे, और मैं 6 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ भाई। जितने भी व्लॉगर्स के ऊपर मैंने जोक्स किए हैं और गालियाँ दी हैं, आई एम सो सॉरी भाई। मेरे पीछे फ्रेम में एक बंदे की पूरी चड्डी उतर गई, अब प्लीज़ कोई इसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिपोर्ट मत कर देना इस वीडियो को। ये फाइनल टेक है, माँ की चोट फाइनल टेक है ये, उसके बाद दोबारा कभी नहीं करूँगा ये। उसमें ये शो अपडेट्स, थैंक यू, हाय, थैंक यू सो मच, छोड़ दूंगा कॉमेडी, छोड़ दूंगा मैं, चुपचाप से TCS में नौकरी करूँगा। भाई इतना अच्छा व्यू छोड़ के मैं क्यों बना रहा हूँ? बाकी क्या है, टिकट ले लो, शो पे आ जाओ, वीडियोस देख लो, और प्लीज़ अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर अब क्या ही बोलूँ। चालू भी था क्या ये कैमरा? हो गया, जो ट्राई करना था हो गया, अब बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्राई हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा जाएगा ये क्योंकि ये सब मैंने ऐसे कल रात लिस्ट पढ़ी, बहुत गुस्सा आ गया था मेरे को कि सैड कैसे हो गया मैं भैंचो तुम समझ रहे हो, जब मैं एग्ज़ाम में फेल होता हूँ ना, तो मैं मेरी उसमें खुद से मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, इस कंट्री की लिस्ट में मैंने कॉन्ट्रीब्यूट भी नहीं किया है, मैं तो घर में खुश बैठा था अच्छा खासा, फेल कर दिया मुझे, बिना बताए फेल कर दिया मुझे वो एग्ज़ाम जो मैंने दिया भी नहीं, मुझसे आके पूछते ना घर आके देखते तो मैं खुश हूँ कि नहीं, एक साथ पूरे देश को फेल कर दिया, ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के लेवल पे ले आया मैं, तालिबान हमसे ज़्यादा खुश है, मुझे लग रहा है हमने सारे जो देश का बंटवारा किया था ना वो इसीलिए किया था, गुस्सा आ गया होगा कि देखो तुम अपना जो खुश हो ना वहाँ जाके अपना अलग देश बना, इधर मूड मत खराब करो हमारा।
सॉरी मैंने ऐसे वो ठीक क्या भी मत बुलाओ मैं जा रहा हूँ मैं तो जानता भी नहीं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्या होता है मैं बांग्लादेश आज चला जाऊंगा फोन मत करो ओ फेक मेरे पास ऑलरेडी है मुस्लिम के पास ओरिजिनल वाला अभी तक नहीं आया मैं ये आर्टिकल पढ़ा ये सारी डिटेल्स पढ़ी ये आर्टिकल पढ़ने से पहले मैं खुश था आर्टिकल पढ़ा सैड हो गया क्या बताया भी नहीं मुझसे पूछा भी नहीं मैं खुश हूँ या नहीं एक साथ पूरे देश को फेल कर दिया अब मैं उससे पहले इसलिए खुश था कि मैं सोचता था कि मैं रोज़ स्टेज पर आता हूँ और ऑडियंस भी आती है और फिर मैं जोक सुनाता हूँ उन्हें खुश करके चला जाता हूँ कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैं ये लिस्ट पढ़ के पता चला कि मैं कुछ खास नहीं कर रहा लोग इतने सैड हैं मैं कुछ भी करूँ इम्प्रूवमेंट ही है मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं तुम सैड हो तुम हर शो में लोग आ जाते कि भाई प्लीज़ एक घंटा आजा दे प्लीज़ नहीं तो 126 से 128 हो जाएंगे पर इशू वही है कि मैं हंसा दूंगा हम सब हंसा देंगे एक घंटा हंसा देंगे पर उसके बाद तो तुम सबकी लाइफ अभी भी सैड है ना वापस तो वहीं जाना है ठीक है पहली बार इस पर ऑडियंस गुस्सा चूती है यही तो भूलने आए थे तुम सब अचानक से मेरे अगेंस्ट हो गए हो मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की मैंने 8 मिनट अच्छा किया पर पिछले 30 सेकंड में ऐसा क्या किया जैसे तुम अचानक से गुस्सा हो गए आप भी जा रहे हो मीटिंग हो रही है बेटी रो रही ओ बेटी रो रही है ठीक है मैंने एक्चुअली उसको सुना बीटी हो रही है मेरी गांड पड़ गई और तुम समझ रहे हो बेटियां पैदा होते रो रही है इतने सैड है ठीक है थैंक यू सर थैंक्स फॉर कमिंग सॉरी आपको ऐसे जाना पड़ा सैड नोट पे चाइना भी आ गया हमसे और चाइना का ठीक है वो स्मार्ट देश है वो क्योंकि वो कोविड ले आया था उसने एक साथ दो चीज़ निकाल दी सैडनेस और ओवर पॉपुलेशन दैट वाज नाइस बोल जाएगी लोग मर रहे हैं मैं समझ लो मेरा जोक का लिटरली पॉइंट वही था कि चाइना ने बहुत सारे लोग को मार दिया और ऑडियंस का रिस्पॉन्स दैट वाज नाइस बहुत सारे तुमने कॉमेडी वीडियोस में जाके देखोगे ना उसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे होते कि हंसना कब था मुझे आप समझा कि हम एज अ कंट्री इतने सैड हो चुके हैं कि हम भूल चुके हैं कब था हंसना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा मैं जितनी भी सिटीज़ में आ रहा हूँ आपको पता चलता रहेगा मुंबई पुणे बेंगलोर दिल्ली चंडीगढ़ ये सारी सिटीज़ मैं बार बार करता रहता हूँ और बाकी जो सिटीज़ हैं वो भी देख सकते हो कर ही रहूँगा कहीं ना कहीं तो लिंक ट्री एक लिंक है जो कि सेव करके रख सकते हो या बार बार चेक कर सकते हो तुम्हारी सिटी में आऊँगा तो प्लीज़ आ जाना मुझे सब जगह फॉलो कर लेना अगर करना हो तो बाकी सब चीज़ें तो मेरी प्राइवेट है बैन होने की वजह से जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी सिटी में नहीं है या हमारे पास पैसे नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं मैं यहाँ पे एक अपने बेस्ट वीडियोस का प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा तो आप पूरा दिन वो देख सकते हो मैंने यूट्यूब पे 140 वीडियो डाल रखे हैं पता नहीं कैसे पर मैं सारे तो नहीं डालूंगा उसमें जो जो बेस्ट है उसकी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है आराम से इंजॉय करो और बस ये ख़त्म हो रहा है इसके बाद मैं जा